हाई गाई इज इज केशम वालपानी वेलकम अगैन टू एकेडमी क्लैट बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बोर्ड एग्जाम के बीच में या फिर आप कुछ के बोर्ड एग्जाम नहीं भी हैं यू वर ड्रॉपर्स एंड यू गोइंग टू राइट दी एमएचसी एग्जाम अब एमएससीटी एग्जाम में सिर्फ दो ही महीने बचे राइट right? पहले मैं आपको पहले बता देता हूं कि एमएचसी एग्जाम का फायदा क्या है तो अब अभी बहुत सारे लोग आई थिंक एक हार्ट ब्रेक अभी तक चल रहा है दैट वी वर एबल टू डू टू वे इन क्लैट तो हम कैसे अच्छा करेंगे आगे वो एक डाउट वाली फीलिंग आ रही है बट लेट्स गेट ओवर इट नाउ यू हैवेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड से गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू टू मेक श्योर कि आप कैसे उस एग्जाम के साथ आगे बढ़ सकते हो है ना हाउ कैन यू डू वेल विद दैट पर्टिकुलर एग्जाम एंड हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल क्योंकि क्लैट में मुझे पता है ऐसा नहीं है कि जिन जिन लोगों का क्लैट में सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों को कुछ आता नहीं था या फिर वो बहुत वीक थे कई बार क्या होता है ऑन दैट होते डेट जस्ट फॉर अस राइट तो आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा एज टू हाउ कैन यू क्रैक इन इन टू जस्ट मंथ्स एमएचसी के बारे में बहुत बेसिक सा बता देता हूँ क्योंकि इसका नाम एम एच सी टी है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ठीक है इट इज दी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्या होगा कि सारे कॉलेजेस महाराष्ट्र के हैं सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड एस टू विच आर द गुड कॉलेजेस इन महाराष्ट्र दैट यू वुड गेट दिस गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जाम दो कॉलेजेस स्टूडेंट जनरली एम करते हैं ठीक है पीपल जनरली एम टू कॉलेजेस जो कि बहुत हाई रेप्यूट के कॉलेज है पहला कॉलेज है जीएलसी मुंबई ठीक है थोड़ा सा ये हिट रहा है ठीक है जीएलसी मुंबई और दूसरा कॉलेज है आई पुणे ठीक है तो ये दोनों मेजर कॉलेजेस हैं जो आपको एमएचसी के थ्रू मिलेंगे अब मेरे को जनरली ऐसा लगा है कि कुछ स्टूडेंट जो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना तो उनको कई लोग इसलिए मना करते थे प्रिपरेशन करने के लिए कि भाई इसमें तो इतना डोमिसाइल होता है इसमें तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को क्लियरली लेते हैं ये लगता है कई बार

एग्जैटली सेम अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है इसमें यू गेट वन ट्वेंटी मिनट पर्टिकुलर एग्जाम एंड 120 ट्वेंटी मिनट्स में यू हैव टू डू हंड्रेड एंड फिफ्टी क्वेश्चन आपको डेढ़ सौ क्वेश्चन करने रहते हैं। और अब इसमें लगेगा कि यार वो अगर क्लैट में स्पीड नहीं बन पाई थी तो इसमें कैसे स्पीड बन पाएगी ये एक बहुत ही जेन्यून सा क्वेश्चन है सबका तो क्लैट में कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चंस बहुत बड़े आते हैं क्लैट में एवरी क्वेश्चन इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तो यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर इट्स क्वाइट सिंपल वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आ तो अगर आपका करंट अफेयर हो गया इवन लीगल लील रीजनिंग हो गया इवन या क्रिटिकल रीजनिंग हो गया सब में क्वेश्चन काफी इजी स्टैंडर्ड के आते हैं और वन ट्वेंटी मिनट्स काफी इनफ होते हैं एग्जाम करने के लिए एमएचसीटी के कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि हमें टाइम नहीं मिल पाया इस पर्टिकुलर एग्जाम में क्लैट में जनरली बच्चे बोलते हैं कि हमारा इतना छूट गया उतना छूट गया एमएचसीटी में कोई भी नहीं बोलता सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एज लॉन्ग एज यू आर यू कुड से प्रिपेयरिंग फॉर इट प्रॉपरली यू विल बी एबल टू डू वेल ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लॉ लेट्स अंडस्टैंड टू हाउ टू प्रीपेयर एम एच सी टी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा तो मैं हटा देता हूँ ठीक है तो अब मैं आपको समझा दू की कि किस तरह से हमको एम एच सी टी के सब्जेक्ट पढ़ने अलग अलग सब्जेक्ट में किस तरह से हमें एस करना है तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हमारा इंग्लिश अब इंग्लिश में आई थिंक अ लॉट ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम कि हमको ना जनरली तेज पैसेजेस नहीं पढ़े जाते नॉट बी अ कंसर्न वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होने वाला क्योंकि इंग्लिश में जो इसके पैसेजेस होते हैं ना बहुत ईजी लैंग्वेज के होते हैं तो इंग्लिश इसका काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ठीक है तो लैंग्वेज इज क्वाइट ईजी एंड यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ दैट उसका अब एडवांटेज इंग्लिश का लैंग्वेज काफी ईजी आता है उसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत आता है ग्रामर

आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी कर पाओगे आप प्रिपोर्शन की प्रैक्टिस भी कर पाओगे आप ग्रामर के क्वेश्चंस भी कर पाओगे और इसमें ना डिफिकल्ट लेवल के दे रखे ये अच्छी बात है उसकी कई बार हम क्या करते हैं ऑन एट और छोटे छोटे वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं तो ये वाला जो बुक है आपका वो वाला प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व कर देगी सो मेक श्योर कि आप रेन मार्टिन का यूज कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ इट और हमारे पास एक घड़ी लेकर चलो कि मतलब हमारे पास मान लो डेज है प्रिपेयर करने के लिए या फिर सिक्सटी भी नहीं है फेब्रवरी तो छोटा होता है तो हमारे पास फिफ्टी डेज का टारगेट लेकर चलते हैं डेज में पूरी प्रिपरेशन करनी है लास्ट के पांच सात दिन में हम थोड़ी रिविजन कर लेंगे वापस से तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले दिन से करनी पड़ेंगी है ना फॉर दोज बोर्ड एग्जाम भी मतलब एक महीने तक चल रहे हैं पांच जो कुछ सब्जेक्ट्स तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको रोज बहुत पढ़ना है आपके एग्जाम से एक दिन पहले आप नहीं पढ़ोगे तो दैट्स फाइन मतलब अगर एमएचसीटी के लिए आपके एग्जाम से दिन पहले आप नहीं पढ़ोगे बोर्ड एग्जाम से पहले तो दैट इज ओके लेकिन उसके अलावा तो आप दो तीन घंटे निकाल सकते हो दिन में है ना बिकॉज हमें एग्जाम क्लियर करना ये भी एक तरह से हमारी प्रायोरिटी हो जाती है उस पॉइंट पे तो इंग्लिश में काफी बेसिक्स स्ट्रैटेजी है इसमें ज्यादा कुछ अलग नहीं करना है और सबसे अच्छी बात यह है कि के लिए ना आपको प्रैक्टिस पेपर्स बहुत सारे सॉल्व करके नहीं जाना क्लैट में हम जनरली बोलते हैं यह भी एक अच्छी बात है लेकिन इसकी प्रैक्टिस ठीक से होनी चाहिए फिर भी राइट यू हैव टू प्रैक्टिस रियली रिल उसके अलावा सेकेंड सब्जेक्ट आता है इसमें जीके एंड करंट अफेयर्स अब और करंट अफेयर्स में होता क्या है ठीक है और करंट अफेयर्स में क्या होता है कि इसमें करंट अफेयर्स भी आएगा और स्टैटिक जीके भी आएगा है ना तो करंट अफेयर्स तो आपने क्लैट के लिए करे थे है ना ऑल ऑफ यू डिड करंट अफेयर्स फॉर क्लैट फॉर दोज हुव नॉट डन करंट अफेयर्स आफ्टर डिसंबर और दोज वांट टू ब्रश अप टिल डिसेम्बर आल्सो यू कैन कम टू माय क्लासेस में काफी सारे क्वेज लूंगा इनके ठीक है बहुत सारे पुराने करंट अफेयर्स के क्वेजेस करेंगे हम लोग उनको रिवाइज करेंगे सो दैट यू गाइस आर आल्सो एबल टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि क्या क्या मिस हो गया तो वो हम डेफिनेटली कर लेंगे व्हाट व्हाट अबाउट स्टैटिक जीके अब दिक्कत ये है कि समय है कम पचास दिन का टारगेट बना लिया है तो किस तरह से सब कुछ कवर करें हाउ डू वी कवर एवरीथिंग नाउ तो स्टैटिक जीके के लिए आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ डूंगज अगेन ठीक है उनको क्विजेज के थ्रू ही करेंगे इज नो पॉइंट रेलिवेंट टॉपिक्स नाउ कुछ जो है हर साल ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक्स मैं आपसे डेफिनेटली करवा दूंगा लेकिन उसके अलावा वी विल ट्राई एंड रिस्ट्रिक्ट आर टू क्विजेज ओनली बिकॉज ये कैसा सेक्शन है कि इसमें आप बहुत टाइम मत दो अभी पर्टिकुलरली एमएचसीटी के लिए मतलब क्लैट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो क्लैट के लिए तो डेफिनेटली दो एम एच के लिए बहुत टाइम मत दो बिकॉज आपके पास इतना टाइम जनवरी भी है नहीं अगर आप एक दो महीने की स्ट्रेटी बना रहे हो तो करंट अफेयर और स्ट्राटेजी मोस्टली क्विजिस करो उसके अलावा आप जो रेगुलर जो नॉर्मल क्लासेस चल रही है ना उसमें जो टॉपिक वाली क्लासेस होती है वो कर सकते हो बिकॉज उसमें से अंदर से क्वेश्चन कैसे निकल के आ सकते हैं और वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज इट डज नॉट आस्क यू पैसेज बेस्ड क्वेश्चन इन करंट अफेयर जी के ऑल्सो इट विल आस्क यू वन लाइनर क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि कोई एक टॉपिक आपको पता है बहुत डिटेल जाननी है आपको है ना तो बेसिक डिटेल अगर आपको पता है तो शायद आप इस कर लोगे ठीक से तो करंट अफेयर तो स्टैटिक जीके का एक बेसिक स्ट्रटेजी रहना चाहिए जितने क्वेश्चन हैं हर जगह से क्विज़ेस कर लो अगर आपको प्रॉपर्ली पढ़ना आपके पास टाइम है मान लो फिफ्टी डेज में आपको लग रहा है कि नहीं मेरे बोर्ड एग्जाम नहीं है मेरे को तो टाइम मिल जाएगा तो स्टैटिक जीके के लिए किताब होती है लूसेंट जी ठीक है बुक कॉल लूसेंट जी उसको रेफर कर सकते हो आप इट्स अ वेरी गुड बुक तो अगर आपके पास टाइम है तो लूसेंट जी इज अ वेरी गुड बुक टू यू गुड से स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट राइट उसके अलावा अब जैसे मैं आपको एक सेकेंड ठीक है है ना तो उसके अलावा अब वॉट इज नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट सो नेक्स्ट सब्जेक्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज लॉजिकल रीजनिंग अब लॉजिकल रीजनिंग की क्लैट में और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल भी आता है ठीक है इसमें आपको एनालिटिकल रीजनिंग भी दिया जाएगा

क्रिटिकल रीजनिंग आई थिंक मोर लेस सबको क्लैट का एक्सपीरियंस है क्रिटिकल रीज़निंग का सो यू वॉट यू कैन डू इज यू कैन गो टू एन एकेडमी का जो प्रैक्टिस uh, क्वेश्चन वाला सेक्शन है वहां पर आपको वो क्लैट टाइप की क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे आप वही कर लो ठीक है और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने वो करके खत्म कर दिए तो आप जी मैट क्लब कर लो उतना काफी है यू डोंट हैव टू डू वेरी डिफिकल्ट क्रिटिकल रीजनिंग रिजनिंग एनालिकल रीजन से करना बिकॉज वो शायद आपने पहले करी नहीं थी क्लैट के टाइम पे तो वो एक नई चीज होगी आपके लिए हो सकता है कि आपको में थोड़ा टाइम लगे तो डोंट मेक इट टू लेट बिफोर यू स्टार्ट दिस है ना बहुत ज्यादा लेट मत करना जब मतलब बिफोर यू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर यू कुड से रीजनिंग के लिए प्रिपरेशन है लॉजिकल रीजनिंग के लिए ओके okay? अब उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है यहां पे लीगल रीजनिंग ठीक है लीगल रीजनिंग में अब क्या करेंगे वॉट डू वी डू इन लीगल रीजनिंग तो लीगल रीजनिंग में आपने ना पुराने अगर क्लैट के पेपर्स देखे हो ना कभी जो क्लैट का पुराना पैटर्न था सो so, क्लैट का पैटर्न चेंज इन 2020 उससे पहले क्लैट का एक पुराना पैटर्न था जिसमें एक प्रिंसिपल देते थे है ना तो जनरली क्या करते थे वो लोग एक प्रिंसिपल देते थे उसके बेसिस पर एक फैक्ट देते थे और प्रिंसिपल और फैक्ट को एनालाइज करके आपको एबीसीडी में से आंसर बताना होता था एमएचसीडी का पैटर्न अभी भी वही है एमएचसीटी का पैटर्न स्टिल इट्स फॉलोइंग द सेम पैटर्न वट यू कैन डू फॉर लीगल का प्रिपेरेशन है यू डोट हैव टू टेक एनी क्लास फॉर लीगल यू जस्ट हैव टू सॉल्व क्लैट के ठीक है ओके एम सॉरी तो क्लैट के 2008 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन ठीक है 2008 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन और एलेट के 2008 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन बस सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व कर लो है ना लीगल रीजनिंग पार्ट के सिर्फ पूरा पूरा पेपर नहीं सिर्फ लीगल रीजनिंग पार्ट के सॉल्व कर लो दिस विल बी गुड टू टेक यू थ्रू दिस एग्जाम

एवरेज इज इन परसेंटेजेस ठीक है एवरेज इज इन एंडसेंटेज पहला टॉपिक है जिसको आप डेफिनेटली uh, करोगे ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जो आते ही रहते हैं सेकेंड नंबर पर आते हैं पी एन एल ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस ये करके जाना प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मली वो सीपी और एसपी वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं वो करके जा सकते हो उसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करके जाना प्रपोर्शन के मैंने देखा है कि काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो काफी सारे रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं जो आप मिस नहीं कर सकते हो है ना तो रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन करके जाना एंड वन मोर टॉपिक दैट यू कैन डू इज इनफैक्ट टू मोर टॉपिक्स स्पीड टाइम डिस्टेंस प्लस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इतना कर गए ना अगर आप तो दस में से डेफिनेटली पांच छह क्वेश्चन निकाल लोगे ठीक है तो अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपकी खराब भी है ये चार टॉपिक टॉपिक ये चार पांच कर जाओ आप कम से कम पांच छह छह क्वेश्चन निकाल लोगे दस में से तो वो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी राइट तो मेक श्योर कि ये एक बेसिक सी प्रिपरेशन करके जाओ है ना रोज अगर आप दो तीन घंटे दे सकते हो ना अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से ये बहुत प्यार से हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन ठीक है तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी तक क्लैट के ट्रोमा को नहीं भूले सो द टाइम हैज कम दैट वी गेट अप अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन है ना क्योंकि हम लोग कब तक उसमें रहेंगे अब इट वॉज जस्ट एन एग्जाम इट डिट वर्क आउट फॉर अस बट दिस विल वर्क आउट फॉर अस वी विल मेक श्योर दैट इट सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्लासेस एज वेल ठीक है तो आप लोग क्लासेस का पार्ट भी बनो एंड वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू डूइंग अ लॉट ऑफ विल कीप कमिंग अप विद दिसजी सेशन ऑल्सो फॉर एम एच एंड में भी तो उसका पार्ट बनते रहो धीरे धीरे है ना मतलब जनरली आपने क्लैट में भी देखा होगा आपको अगर क्लैट के बाद में आपने खुद को एनालाइज कराओ तो आपको ये समझ में आएगा कि यार मेरी भी कुछ गलती थी आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद सर्टन थिंग्स दे आर सर्टन थिंग्स वोल्ड टू मट आई प्रॉब्ली या तो मैं ही नहीं गई नहीं वहाँ पे या फिर मैं गई तो मैंने कुछ किया नहीं वहाँ पे सो दैट यू कुड नॉट मेक ए लॉर्ड ऑफ सेंस समटाइम्स तो प्लीज मेक श्योर की एक बेसिक्स ही स्ट्रेटेजी फॉलो करके यू आर एबल टू डू वेल इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम बट यू हैव टू भी कंसिस्ट अगेन इट्स अ मैटर ऑफ फिफ्टी डेज फिफ्टी डेज थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेते हैं फिर से है और यहाँ पर अच्छा करके दिखाते जीएलसी आई एल एस अगर आपको मिलेगा दे आर कॉलेज वेरी हाई रेप्यूट एंड बिलीवीव मी यू वुड लव दैर यू लव इट देर ठीक है बहुत मज़ा आएगा आपको देर लॉड ऑफ स्टूडेंट्स देर अन अकेडमी के काफी सारे लूम ना वहाँ पर हो गए तो वो आपको एक तरह से मान सकते हो कि आपका एक साथ भी हो जाएगा जो आपको बताएंगे कि भाई हम भी सेम एजुकेटर्स से पढ़े हैं है ना या फिर हम सेम पॉइंट पर थे आप जहां पर अभी हो ना वहां पर काफी सारे बच्चे थे सो द डिड वेल तो यू ऑल्सो हैव दान्स टू डू वेल हिरा राइट सो ऑल द बेस्ट गाइज डू वेल प्रिपेयर वेल फॉर दिफ्टी डेज एन एल सी यू एन क्लास